सरकार को मोटा राजस्व देने में आबकारी विभाग का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज ये विभाग का काशीपुर में बना कार्यालय बदहाली के आंसू बहा रहा है, जहां अधिकारियों को न तो विभाग द्वारा सुविधाएं दी गई हैं और न ही पूरे कर्मचारी हैं। यही कारण है कि आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब की तस्करी और कच्ची शराब पर पूर्णतः रोक लगाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों और वाहनों को दिए जाने की मांग को लेकर कई बार काशीपुर के आबकारी अधिकारी द्वारा पत्र भी भेजा गया, लेकिन अधिकारियों को विभाग से मात्र आश्वासन ही मिला है। उत्तराखंड में शराब का मोटे स्तर पर कारोबार किया जाता है, यही कारण है कि सरकार को अंग्रेजी और देसी शराब के ठेकों से मोटा राजस्व भी मिलता है। लेकिन आबकारी विभाग द्वारा काशीपुर कार्यालय में एक अधिकारी के साथ एक महिला सिपाही के साथ एक अन्य कर्मचारी की तैनाती कर रखी है, जिनके क्षेत्र में काशीपुर और जसपुर तहसील भी आती है। इतना ही नहीं, आबकारी विभाग द्वारा अधिकारी को सरकारी वाहन भी मुहैया नहीं कराया गया है। यही कारण है कि वे अपने निजी वाहन से आबकारी अधिकारी जगह जगह छापेमारी भी करते हैं। कर्मचारियों की कमी के अभाव के चलते विभाग अवैध शराब की तस्करी और कच्ची शराब पर रोक लगाने में नाकाम है। आपको बता दें कि काशीपुर जसपुर क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों की शराब की तस्करी की जाती है। इतना ही नहीं, काशीपुर और जसपुर क्षेत्र में कच्ची शराब का कारोबार कुटीर उद्योग का भी रूप ले चुका है। कई बार कच्ची शराब पर कार्यवाही करने पर आबकारी टीम पर शराब माफियाओं ने हमला भी किया था, जिसमें बड़ी मुश्किल से आबकारी टीम वापस लौटी थी। इतना सब होने के बाद भी विभागीय अधिकारी काशीपुर आबकारी कार्यालय में संसाधन और कर्मचारियों की तैनाती नहीं करा पा रहे हैं। जब इस मामले को लेकर काशीपुर के आबकारी अधिकारी महेंद्र विश्व से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि काशीपुर कार्यालय में 6 लोगों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में 3 लोग ही तैनात हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और संसाधनों को लेकर कई बार पत्राचार किया जा चुका है, जिसमें उन्हें विभाग द्वारा जल्द ही कर्मचारियों की तैनाती करने की बात कही गई है। हाँ, काशीपुर क्षेत्र में एक्चुअली 6 लोगों की कम से कम जो है होनी चाहिए यहाँ तैनाती, जिसमें अभी 3 ही लोग हैं यहाँ पे, जिसमें से एक महिला कांस्टेबल है, जिसे थोड़ी सी इसलिए स्टाफ की कमी के कारण और संसाधनों की कमी के कारण थोड़ा हमें दबिश कार्य में दिक्कत आती है। क्षेत्र पर 2 तहसीलें हैं, काशीपुर और जसपुर तहसील। हाँ, हमने अपने अधिकारियों को अवगत करा रखा है, लिखित में भी दे रखा है कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी इसमें नई भर्तियां होंगी और स्टाफ को पूरा किया जाएगा। पत्राचार चल रहा है लगभग साल भर से। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें संसाधनों की कमी तो है ही, और एक महिला कांस्टेबल है, उसे रात बेरात भी नहीं ले जाया जा सकता है, जो कारण है ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, कितने बजे के बाद महिला को आप वो नहीं कर सकते हैं। बस उसी के बारे में हम लिखते रहे कि हमें स्टाफ और संसाधनों को उपलब्धता कराई जाए, जिससे कि हम लोग समय से और बिल्कुल उस तरीके से अपनी कार्रवाई पूरी कर सकें। डर तो क्या है, नौकरी है तो करना ही है, जाते ही हैं। अरे ऐसे माहौल कोशिश करते हैं ऐसा ना हो, ऐसे कन्फ्लिक्टेशन कहीं ना हो और अपना काम आराम से हो जाए और इन चीज़ों पर रोक लगाई जा